सेवाभावी जैन आचार्य डॉक्टर चंद्रनाथ श्री जी को पद्मश्री अलंकरण मिलने पर इंदौर में रेनेसा यूनिवर्सिटी द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर रेनेसा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी ने आचार्य चंद्रनाथ श्री जी को मानद पीएचडी की उपाधि से अलंकृत भी किया। इसके बाद आचार्य चंद्रनाथ श्री जी से वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी, प्रकाश हिंदुस्तानी, रमन रावल और राजेश शर्मा ने सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया, जहां उनके जिज्ञासाओं को लेकर चंद्रनाथ श्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिए और आशीर्वचन देते हुए कर्म की प्रधानता और महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि सभी को मानव जाति के लिए काम करना चाहिए, अच्छे विचार और अच्छे लोगों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। राक्षस थोड़ी है, विषय थोड़ी है कि जो था वो भी इंसान। मैं अभी अमेरिका में थी तो अपना जो कर्म है वो करना पड़ता नहीं है, करना पड़ता है। हमें जीवन चलने के लिए हमें लॉयर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें बिजनेस मैन बनना है, लेकिन हम किसी की जिंदगी के लिए एक सुंदर बनाने में रेनेसा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी भी मौजूद थे।